हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसी नमकीन, वो भी घर में खाली पड़ी बोतल से। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से तैयार हो जाएगी। और इस नमकीन को कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, डब्बे में भर करके रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और वो भी एक कप बेसन से ढेर सारी नमकीन बन जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है और एक कप बेसन डालेंगे। और ये वजन में 150 ग्राम है, आप कोई भी कटोरी से नाप करके ले सकते हैं। और अब यहाँ पर नॉर्मल पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। तो पानी जितना हो उसके मैंने डाल दिया है और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो अब आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है, ऐसी ही रखनी है, एकदम से परफेक्ट है। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालने से कलर अच्छा आएगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने से नमकीन क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ अपने दोस्त और अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर कोई भी बोतल लेंगे, आपके घर में जो भी बोतल रखी हो आप ले सकते हैं। अब हम कोई भी पेचकस लेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म करते जाएंगे और इसके छेद आराम से हो जाएंगे। तो बोतल हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम बनाएंगे एक कीमा। तो कोई भी बोतल आपको ले लेनी है और इसे कट कर लेनी है। और ऐसी बोतल लें कि जो हम जिसमें बैटर डालेंगे इसके मुँह में ये चली जाए। अब चलते हैं नमकीन फ्राई करने के लिए। तो गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बोतल को 2 से 3 बार घुमाएंगे तो बैटर आराम से गिर जाएगा। एक बार ये झाग से भरेंगे और फिर ये झाग कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर झाग कम हो चुके हैं, 1 मिनट हो गया इन्हें पकते हुए, ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में इन्हें अच्छे से अलटते पलटते इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक झारा में निकाल लेंगे। अभी थोड़े से सॉफ्ट रहें और ये ठंडे होने के बाद में एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे। सभी को झारे में डाल लेंगे। तो पहला बैच हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरह से सभी बना लेंगे। तो दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी मूँगफली ली है, अब इस झारे में डाल देंगे और चम्मच से घुमाएँगे तो ऑयल इनके अंदर आता जाएगा और ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। आप बिना मूंगफली के भी इन नमकीन को बना सकते हैं, लेकिन नमकीन डालने से एकदम से मार्केट जैसी नमकीन तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मूंगफली का थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, ये फटने लग गए हैं, तो इसका मतलब मूंगफली सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, ऑयल झर जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 करी पत्ते लिए हैं, इन्हें भी ऑयल में इस तरह से सेक लेंगे झारे में डाल करके। ये ऑयल में सेकने से क्रिस्पी हो जाएंगे। कड़ी पत्ता नमकीन में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी नमकीन बनेगी, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी यहाँ पर नमकीन हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब इन्हें इस तरह से तोड़ देंगे। तो जुड़ गए थे ना, इन्हें अलग अलग कर देंगे सभी को। अब हम एक कटोरी लेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आप तीखा खाते हैं। और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाला डालने से चटपटी बनेगी नमकीन। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब सभी मसाले इस नमकीन के अंदर डाल देंगे और जो हमने मूंगफली को रोस्ट किया था, सेका था, वो भी डाल देंगे। और अब डाल देंगे कड़ी पत्ते का चूरा करके और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमकीन हमारी तैयार हो चुकी है और ये एकदम मार्केट जैसी बनी है, चटपटी और टेस्टी। और इसे बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से इसे बना सकते हैं, वो भी एकदम शुद्ध तरीके से घर में, और वो भी कुछ ही मिनटों में इसे तैयार कर सकते हैं। जब भी नमकीन चटपटा खाने का मन हो तो आप चटपट से इसे तैयार कर सकते हैं। और एक कप बेसन से ये ढेर सारी नमकीन तैयार हो जाएगी, एक डब्बा भर करके। और आप इस नमकीन को कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। एयर टाइट डिब्बे में डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी नमकीन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए।
फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।